रजनी मैम राइट्स, मेरे बॉडी में सारे जॉइंट्स में पेन रहता है और सांस फूलती है, गैस भी रहती है। अच्छा, आपके शरीर में एक पक्ष, मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसीलिए बता रहा हूं आपको, मैं हजारों पर्सपेक्टिव से एक बीमारी को बता सकता हूं, है ना। कहीं तो आपको कहीं तो क्लिक करना चाहिए, कहीं से तो समझ में आना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि आप लोग बहुत समझदार, मुझसे भी ज्यादा समझदार। प्रॉब्लम यह है कि आपने ज्यादा पढ़ लिख लिया है, पढ़े लिखे हो गए, एजुकेटेड हो गए, समझदारी उससे कम हो जाती है। अच्छा, आपके शरीर में सभी जॉइंट्स में अगर पेन है तो आपके शरीर में एक पक्ष होता है जिसे कहते हैं समान पक्ष। समान वायु भी होती है, समान अग्नि भी होती है। समान का मतलब क्या? समान, आपने हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, ऑब्वियसली हम अंग्रेजी ज्यादा पढ़ते हैं मगर हिंदी तो हमारे कल्चर में है, तो कहीं ना कहीं आपने ये शब्द सुना होगा, समान का मतलब बराबर। तो आपके शरीर में एक स्ट्रेंथ है आपके शरीर की, जो कि किसी भी चीज को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जैसे कहते हैं समान वायु, ठीक है ना। ये भी आपके शरीर का एक स्ट्रेंथ है। अगर आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप में नहीं होगा तो क्या होगा, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम फेस करेंगे? आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ही, लेकिन आपके शरीर में सफाई भी चाहिए। तो सपोज कीजिए आप किसी भोजन को कहीं पे बहुत समय तक रख देते हैं तो टॉक्सिन बन जाता है आपका। जैसे मैंने बताया था लिवर कमजोर है, तो लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है ठीक से चीजों को, तो क्या ज्यादा बना रहा है? टॉक्सिन ज्यादा बना रहा है। अब ये आपका शरीर बांट देता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तो आपके ये जॉइंट्स पे, हाँ जॉइंट्स पे जाके जम जाते हैं, क्योंकि जॉइंट्स आपके शरीर में सफाई गंदगी के इकट्ठा होने का भी स्थान है। लिम्फ नोड भी कहते हैं इनको अंग्रेजी में, क्या कहते हैं ये सब पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए ये सब, लेकिन अपने टर्म्स में समझिए तो आपको समझ आए। तो लिम्फ नोड कहते हैं आपके सेलुलर वेस्ट जो होता है ना, वो इकट्ठा होके लिम्फ नोड्स में यानी आपके जॉइंट्स में जमा होता है। इसीलिए गैस और टॉक्सिन दोनों, इसलिए आप उंगलियां कटकाते हैं ना, ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है, क्या गैस रिलीज होता है। तो पहली बात, मेटाबॉलिज्म वीक है, कहां से शुरुआत हुई? आपका लीवर कमजोर है, सबसे पहली चीज मेटाबॉलिज्म वीक है, लीवर कमजोर है, आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज, आपका गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है, यानी कि आपके पेट के अंदर काफी बैक्टीरिया होते हैं स्टमक में जो पाचन का काम करते हैं। डाइजेशन इज नॉट योर स्ट्रेंथ, इट इज बैक्टीरियल स्ट्रेंथ। बैक्टीरिया है आपके शरीर में, 3 गुना ज्यादा बैक्टीरिया है आपके सेल से, चुनाव कराओगे तो वो जीत जाएंगे। हम प्रूव कर सकते हैं, देर इज नथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन बींग, बैक्टीरिया जीत जाएंगे चुनाव कराओगे, ज्यादा नंबर में है। तो आप जैसे ही केमिकल खाते हो, लाखों बैक्टीरिया जो डाइजेशन का काम करते हैं वो मर जाते हैं। आप जैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हो, लाखों बैक्टीरिया मर जाते हैं। आप जैसे ही कोई ऐसी चीज पीते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है टेस्ट में, केमिकल है उसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो लाखों बैक्टीरिया मर जाते हैं, यानी आपका गट माइक्रोबायोम बिगड़ जाता। तो डाइजेशन तो ठीक नहीं होगा आपका, तो डाइजेशन वीक हो गया, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, लिवर कमजोर है, एब्जॉर्प्शन वीक हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वीक हो गया, जो चीज बन रही है वो ज्यादा टॉक्सिन है तो वो फैलेंगी, आपके सेल्स में जाएंगी, टिश्यू में जाएंगी, और वो उसको वापस फेंकेंगे और वो आपके ज्वाइंट में जाके इकट्ठा हो जाएगी। तो समान वायु खराब होती है तो पहली चीज डिटॉक्स भी खराब हो जाता है आपके शरीर का। अब वो जमा है पर वहां से निकलने में उनको तकलीफ हो रही है और आपका शरीर दर्द बनाएगा इसकी वजह से। दर्द का मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ है, आप उसे ठीक करो, मगर आप तो दर्द की गोली खा लेते हो। दर्द तो रेड लाइट की तरह है जो हर चीज को बताता है आपको, मगर आप रेड लाइट तोड़ देते हो और इसे कहते हैं सिविलाइजेशन। तो आप रेड लाइट अपने शरीर का तोड़ने की बजाय रिस्क खत्म कीजिए, आप डिटॉक्स करवाएंगे, डिटॉक्स होगा आपके शरीर का ना, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके लिए हम प्रोग्राम में आपको बताते ही हैं, जो कुंभक थेरेपी में हम ऐसी कई चीजें करवाते हैं, प्रकृति शूल कुंभक शूल राज, ऐसे ऐसे कई कई चीजें हम करवाते हैं जो कि आपके शरीर का डिटॉक्स करते हैं।
और कैसे करवाते हैं आपको डायग्नोस करके कि कौन सा फैक्टर कमजोर है, तो कस्टमाइज किया जाता है इन सबको। आपको कुछ प्रोडक्ट भी बताएंगे जो कंपलसरी है, जो कि आपको लेना पड़ेगा 40 दिन के लिए, क्योंकि वो आपके शरीर को सफाई कर देगा, शुद्ध कर देगा, आपके पेन फैक्टर्स तब जाएंगे। इन्फ्लेमेशन शरीर में अगर है, अगर टॉक्सिन है तो इन्फ्लेमेशन होगा, जलन अंदर होती है, वही तो पेन के रूप में आपको फील हो रहा है। तो क्या करना है, वो पेन को काटना नहीं है, वो पेन का जो कारण है, जिस वजह से दर्द हो रहा है, उस वजह को का निराकरण करना है, उसको ठीक करना, वही हम कुंभक थेरेपी में कर रहे हैं।